आज का वीडियो का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यदि दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हैं तो उनका हम इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। तो चलिए आपका समय जाया ना करके मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो लेट अस स्टार्ट वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर एक फंक्शन, ये जो है दो फंक्शन दे रखे हैं, एक ई की पावर एक्स है, एक साइन एक्स है। इसका इंटीग्रेशन करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हर एग्जाम में आता है, चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या बोर्ड के एग्जाम्स हो। दोस्तों, दो फंक्शन जहाँ पर रहते हैं ये उनके मल्टीप्लिकेशन में या प्रोडक्ट में रहते हैं, तो उनका जो है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, हम इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, तो उसका एक मेथड है इलेट। इलेट मेथड है। इलेट में मतलब इनमें से फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे और सेकंड किसको मानेंगे, बहुत ईजी मेथड होते हैं। तो ई ई कम आई इलेट, आई आई मीन्स इनवर्स फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, और टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से देखेंगे हम कौन सा है। तो इसमें इनवर्स फंक्शन कोई सा नहीं है, लॉगरिथम भी कोई सा नहीं है, एल्जेब्रिक भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट टाइप पहले आया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स है, इसको हम फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और इसके बाद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स, इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये लेके चले हमने फर्स्ट, इसको मान लिया साइन एक्स को फर्स्ट और ई की पावर एक्स को सेकेंड। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डी एक्स, यानी होल का इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया साइन एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कॉस एक्स होता है, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये फिर दोनों डबल फंक्शन हो गए, इनमें से ये प्रोडक्ट में हो गए दो फंक्शंस, इनमें फर्स्ट और सेकंड कैसे मानेंगे, उसी मेथड लगाएंगे इलेट मेथड से। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ये फिर फर्दर इसमें लगा देंगे हम, तो साइन एक्स हो गया साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस, ये माइनस है तो ब्रैकेट में ले लेंगे बाहर, तो हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट क्लोज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स, यानी होल का इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कोस एक्स, ब्रैकेट बंदी है अभी, माइनस कोस एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, और यह कोस एक्स का जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस। ये बाहर आ गया, ये प्लस हो गया, लेकिन हमने इसको यहाँ हो गया साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कोस एक्स ई की पावर एक्स, तो यहाँ इसको खोल दिया, तो यह माइनस हो गया, तो यहाँ भी माइनस है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इधर से माइनस ये प्लस कर देगा, तो हो जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। तो दोस्तों, ये सेम फंक्शन हो गया हम जिसका इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, तो ये फंक्शन उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉस ई की पावर एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा, दो नीचे आ जाएगा इधर, तो वन बाई टू ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स, तो इसका हम कैसे निकाल लेंगे साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स इंटू वन कर लेंगे, इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट नहीं है तो फंक्शन नहीं है, तो इजिकल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू वन डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसमें फर्स्ट और सेकंड किसको लेंगे, तो इसमें जो है इनवर्स फंक्शन साइन एक्स पहले आ जाता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, वन को सेकंड फंक्शन लेंगे। ठीक है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू ब्रैकेट वन डी एक्स, यानी होल का इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, क्योंकि वन का इंटीग्रेशन हो गया एक्स, क्योंकि जो है एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे, तो हो जाएगा वन का हो जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया वन अपॉन
अंडरूट वन वन एस स्क्वायर इंटू एक्स, वन का हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स अपॉन इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडरूट वन माइनस एस स्क्वायर डी एक्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, वन माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू टी मानेंगे, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा वन का हो जाएगा जीरो और टू एक्स एस स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू एक्स डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस हाफ वन बाई टू डी टी, तो एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस वन बाई टू डी टी, ये सब्सिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन और एक्स डी एक्स की जगह हो जाएगा माइनस वन बाई टू डी टी और वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया टी और अंडर रूट टी हो गया, ठीक है दोस्तों। माइनस बाहर आ जाएगा हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू बाहर आ गया इंटीग्रेशन, ये हो गया टी वन अंडर रूट टी था तो टी की पावर माइनस वन बाई टू डी टी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू और टी, इसका इंटीग्रेशन ये एक्स की पावर एन का जो है फंक्शन की तरह है तो हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन तो हो जाएगा माइनस वन प्लस वन तो हो जाएगा टी की पावर वन बाई टू और उसी से नीचे डिवाइड कर देंगे वन बाई टू से, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट टी, क्योंकि ये वन बाई टू से कट गया तो बच जाएगा केवल अंडर रूट टी यानी एक्स एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट टी और टी की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, दोस्तों यही जो है इसका आंसर है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।